हेलो दोस्तों, आईटी स्मार्टिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मंगेश। चलो ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको नया टेक्निकल वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस कैसे डिसेबल करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब CMD, जो अपन कमांड कुछ भी रन करते हैं। तो बहुत सारे लोग कुछ भी सिस्टम में कमांड रन करते हैं और सिस्टम को प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। तो ऑफिस में ये सब नहीं चलता है, तो बहुत सारे ऑफिस में CMD का एक्सेस डिसेबल करके रख देते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं CMD का एक्सेस कैसे बंद करते हैं। CMD, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट मतलब CMD, ये देखो CMD अभी ओपन हो रहा है, मतलब एक्सेस है इसको। तो इसको डिसेबल कैसे कर सकते हैं, मतलब ओपन हो रहा है। तो यहाँ से आप मतलब CMD यहाँ पे कुछ भी कमांड डाल सकते हो। KDSK, ठीक है। अभी देखते हैं उसको कैसे डिसेबल करते हैं। तो उसका विंडोज़ R प्रेस करके JPEG.MSC डाल के ओके करना है। उसके बाद जाना है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, एक ग्रुप पॉलिसी ट्रिक्स है, आप देख सकते हो। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, और इसमें जाना है सिस्टम में। सिस्टम में यहाँ पे लिखा है प्रेवेंट एक्सेस टू कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर है, मतलब उसको एक्सेस है, ठीक है। इसमें अनेबल करने के बाद अप्लाई, ओके। अभी आप देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं होएगा। CMD टाइप करते ओपन करते, ये देखो द कमांड प्रॉम्प्ट हैज़ बी डिसेबल बाय एडमिनिस्ट्रेटर। ये नहीं प्रेस एनी की करेगा तो ये बंद हो जाएगा, देखो, ठीक है। मतलब ऐसे आप बंद कर सकते हो एक्सेस। वापस से यानी एक्सेस एनेबल करने के लिए डिसेबल कर सकते हो या नॉट कॉन्फिगर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप चेक कर सकते हो CMD, ये देखो ओपन हो रहा है। Please subscribe to our channel and click on the bell icon. If you like this video, please do not forget to like and share. Thanks for watching. For watching.